कौमोसापुर पासवान टोला वार्ड नंबर 11 ब्लॉक कोढ़ा जिला कटिहार। पासवान टोला में उमेश पासवान के घर से लेकर के राजकुमार गुप्ता के घर तक कच्ची रोड है, जिस बरसात के समय में यहाँ पर पानी ठौना भर बस जाते हैं, जिसके कारण सभी आदमी के घर में आंगन में घुस जाते हैं और सभी को तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। मेरा समस्या यही है कि गांव में पानी हो जाता है रास्ता में, घर में आंगन में रोड नहीं है, पानी के कारण बीमार पड़ जाते हैं बार बार। मलेरिया हो जाता है, बुखार लग जाता है, उल्टी हो जाता है, पैखाना होता है। हॉस्पिटल भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, सरकारी हॉस्पिटल में ठीक से इलाज नहीं होता है, अपना मजदूरी कमा के इलाज करना पड़ता है, पेट चलाना पड़ता है। कितने आदमी के साथ ये समस्या है? मैं यहाँ पर तो हम लोग का 12-13 घर है, मतलब 12-13 घर का समस्या यही है, सबका घर में आंगन घर में पानी हो जाता है, पानी हिल कर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे उनको ना बारिश के मौसम में ये दिक्कत होती है कि उनको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, पानी रहने के कारण लोग पढ़ाई करने नहीं जा सकते। यहाँ के हम या फिर मैं यहाँ के गांव में जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, यहाँ रोड के प्रॉब्लम से हर चीज़ से प्रॉब्लम होता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए, विकास हो, बाल बच्चा बढ़िया से ही रास्ता में चले बुले, कहीं पानी नहीं लगे। इसके बारे में आप लोग मुखिया जी से बात किए हैं कभी? नहीं, हाँ हम लोग तो बोले हैं, मुखिया जी बोलता है कि आज हो जाएगा कल होगा, पैसा नहीं है फंड में, पैसा आएगा तब ना हम लोग रोड बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रोड बन जाए। मैं इसके लिए वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप मेरे वीडियो जी का नंबर है 94-31-81-83-30, इस नंबर पर कॉल करके हमारी जल्द से जल्द मदद करें ताकि यहाँ पर रोड बन जाए। मैं नबीता, गाँव मौसापुर, ब्लॉक कोढ़ा, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।